हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि। और मैं नहा ली हूँ, मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है। ड्रेस क्या लंचा टाइप है। और हम जा रहे हैं अभी मंदिर में। मेकअप अभी नहीं किया है, आके करूँगी क्योंकि अभी लेट होने लग रहा है इसलिए। और ये बैठे हमारे केशव, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं आज केशव। ये ड्रेस मैंने बनाई है केशव की, ये मैक्स तो छुपी नहीं होता, ये ड्रेस मैंने बनाई है। और बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले चलिए चलते हैं मंदिर में क्योंकि लेट होने लग रहा है। ये फिर जाएंगे शॉप पे। और मैंने मंदिर के लिए सारा सामान लिया है और मैंने साड़ी जोड़ा भी लिया है क्योंकि पार्वती माता के लिए मैंने लिया है। आज के दिन उनकी शादी हुई थी और सारा सब फूल वगैरह सब ले लिया है। तो चलिए चलते हैं मंदिर। गाइस अभी हम नीचे आ चुके हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर रंगोली है, मतलब उसके हिसाब से तो ठीक ही है। ये देखो, इसे देखो, आती शैतानी अपने आप को ही लोक कर लिया, बहुत ही बढ़िया। मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, है ना, यहीं निकाल देता हूँ, यहाँ पर निकाल दिया मैंने अपने कलर कलर ले। हाथ लगा, हाथ लगा। चलिए गणेश, ले चल थोड़ा। ऐसे डोगी को ना बेचारे को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, बार बार हमारे पास आ रहा था ये, तो हमने एक बिस्किट का पैकेट लिया वहीं से और वो बिस्किट का पैकेट इसको खिला दिया। तो अभी हम आ गए हैं अपने घर, मंदिर में हो आए हैं। काफ़ी टाइम लग गया, 30 मिनट लग गया हमें मंदिर में क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लाइन लग रही थी इस वजह से। और टिक्का देख रहे हो कितना बड़ा लगाया आज पंडित जी ने। अब करेंगे, अब मैं बना रही हूँ दूध, पहले दूध बनाऊंगी उसके बाद हम करेंगे अपना मेकअप क्योंकि आज बहुत ही खास सा दिन है। कौन सा दिन है आज? आज पता क्या है, आज 18 फरवरी और आज मेरी शादी की सालगिरह है। यस, आज यस, हैप्पी एनिवर्सरी टू मी, मेरी एनिवर्सरी है ना आज, इसलिए अभी बना रही हूँ दूध क्योंकि ये जाएंगे शॉप पे। यस, इसलिए बोलो हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। चलो बोलो। तो व्लॉग को आप पूरा देखिए, अच्छा लगेगा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर। तो चलिए कर लेते हैं काम, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये दोपहर का टाइम और अब बनाऊंगी अपने लिए चाय,
और चाय के साथ कुछ काजू मखाने वगैरह हम भूनेंगे, क्योंकि खाली चाय पी नहीं जाती ना इस वजह से, और मैं घी में फ्राई कर लेती हूँ तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। तैयार हो चुकी हूँ और मेरा ये वाला लांचा कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और केशव की ड्रेस दिखाऊँ जो मैंने बनाई थी सुबह से, तो बस यही था, मैं दूध पी के चले गए थे, हम मंदिर से आ गए थे, और आज केशव बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये देखो ये देखो, बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं ये, ना फ़ोन में इतने सुंदर नहीं लगते हैं जितने रियल में सुंदर लगते हैं, बड़े क्यूट से लगते हैं। तो चलिए बना लेती हूँ चाय, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और ये अर्णव अपने स्केट पहनने लग रहा है, गिर मत जाइए, कहाँ पहन रहा, सोच रहा आज चलाऊं दिन बाद, गिर मत जाइए, और तो कुछ नहीं, इतने भारी भारी हैं, ये गिर गया ना, ये देखो कितने भारी है, ये स्केट ला रखे इसमें, गिर मत जाइए, ये सारी चाबियाँ रख दी तूने, निकाल के ना अंदर ही रख दे, कर लेती हूँ काम। ये हो गए हैं बनकर तैयार काजू और मखाने, और साथ में है गर्मा गर्म चाय अदरक डाल के। पहले केशव खाएंगे उसके बाद हम खाएंगे। राधे राधे केशव, ये लो भैया। अभी चाय पीने के बाद मेरे पास रखी हुई थी मलाई, तो मैंने सोचा मलाई में से मक्खन निकाल लेते हैं, खाली बैठी हुई थी मैं, तो ये हो गया है इसकी, अब बस इसे निकालना बाकी है। इसे मुझे बहुत तेज, काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसमें ऐसे ये घुमाते घुमाते, आज मैंने मशीन से नहीं किया, सोचा ऐसे ही हो जाएगा, ये बस फ़ोन देख रही थी ऐसे ही बैठे बैठे, तो मैंने सोचा इसको भी कर लेते हैं। अब ये तो हो गया है, अब करेंगे अपना शाम की तैयारी, कुछ खाना वाना बनाना है। अभी तो टाइम क्या हुआ है, ये देखो 5:19 हो रखे हैं, और बस इस अब मलाई कर रही हुई है, इसको करने के बाद देखेंगे अपना खाना वाना बनाने का, हो गई बस। और आज पता क्या हुआ, आज ये हुआ कि आज कई चीज़ें हैं, क्योंकि आज प्रदोष व्रत भी है हमारा, शिवरात्रि व्रत भी है, और भाई आज हमारी एनिवर्सरी भी है, तो आज एनिवर्सरी तो कैंसिल, कहीं बाहर जाते घूमते थोड़ा बहुत कुछ करते कुछ खा के आते, लेकिन आज व्रत है तो आज सब कुछ कैंसिल, आज अपने घर में बनाएंगे और खाएंगे बस यही, आज केक वगैरह कुछ नहीं आता, बस आज सिंपल सुकून वाली सिंपल वाली ऐसी एनिवर्सरी तो किस्मत वालों को मिलती है, जैसी आज मुझे मिली है, क्योंकि आज शिवरात्रि है, सबसे बड़ा दिन है ये शिवरात्रि का। आज शिव पार्वती की भी शादी हुई थी और हमारी भी शादी हुई थी, तो आज बहुत ही अच्छा सा दिन है वैसे तो, बस थोड़ा सा ये है कि बाहर नहीं गए घूम रहे, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, बाहर घूमना कोई इतना वो नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। और वैसे हम कहीं जाते भी ना, पता क्यों नहीं जाते, क्योंकि सुबह ही चले गए थे और शाम में आएंगे, 8:30 तक आएंगे, उसके बाद फिर कहीं जाने का टाइम रहता ही नहीं, फिर ये बोल देते हैं कि अब तो टाइम हो गया, अब कहीं जाना नहीं, अपने घर में ही कुछ ला के वहीं यहीं पे कुछ खावा लेते या कुछ काट लेते थोड़ा बहुत केक, बस सिंपल सुकून वाली एनिवर्सरी है ये वाली। आज बस खुशी है कि आज शिवरात्रि है, भोले बाबा का दिन है, माता पार्वती का, तो इसको तो मैंने कर दिया है। अब इसमें से ये मक्खन निकाल के गर्म होने के लिए रख दूँगी, काफ़ी टाइम हो गया, अब की बार मैंने मशीन से नहीं की, ऐसे बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मैं पहले ना इसमें मट्ठा लगा के रख देती हूँ एक दिन पहले गर्म करके, तो ये अच्छे से निकल जाता है ऐसे। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ काम, और फिर खाना बनाएंगे, ये आएंगे शाम में, हम बनाएंगे कुट्टू के पराठे और सब्जी। क्या हुआ, आओ अभी देखिए शाम का टाइम हो गया है, और टाइम हुआ है अभी 8:00, और ये आ गए हैं, मैंने सब्जी वगैरह तो बना दी लेकिन अभी रोटी बाकी है। और ये देखो ए मैक्स, ये मैक्स ना देखिए लज गया,
और ये देखो मेरे लिए क्या लेकर आए हैं। ओए मिक्षु मत कर। हम चॉकलेट खोल ले। ये चॉकलेट भी लेके आए हैं इतनी बड़ी वाली। चॉकलेट मुझे बहुत बहुत पसंद है। अरे भाई मान जा मैक्स, ये तो मैक्स ही नहीं मानता हमारा तो। खोल ये सोच रहा पता नहीं क्या हो रहा। मिक्षु नो जंपिंग, नो जंपिंग। रुक जाओ एक सेकंड, पहले केशव को देना। ये देखो वाओ गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू। और चलो ये पहले गुलदस्ता हम देंगे अपने केशव को। ये गुलदस्ता ना अभी केशव को दे दो, लड्डू को पहले चॉकलेट खिला दो फिर ले लेना। देखो कितना प्यारा लग रहा है केशव। ये देखो आपके लिए आया है, ये तो लड्डू सा बड़ा गोल्डन पैक। वाओ कितना सुंदर लग रहा है। केशव कितने खुश हो गए ना इसे लेके। केशव आपके लिए ये लो। ये तो बहुत भैया ये है हमारे केशव का। लाओ एक फोटो खींचेंगे। सुनो आ जाओ चलो सारे एक फोटो खींचेंगे। ये अर्णव तो चॉकलेट खोलने में लगा हुआ। अरे पूरी खोल लेना। पूरी नहीं अभी थोड़ी सी। और ये मैक्स को पट्टा बांध रहे हैं नीचे लेके जाएंगे इसलिए। तो चलो पहले फोटो खींचते। और मैंने अपना घी रखा हुआ है, ये रहा। और सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, इधर है। अभी मैंने कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की है क्योंकि मैं मुझे थी जल्दी थोड़ी सी काम करने की। अब बस पूड़ी बनाऊंगी कुट्टू की। और ये देखो जरा अर्णव कहाँ चढ़ रहा है, कहाँ है ये रहा। और मैक्स इसको देख रहा है बस। तो चलिए हम कर लेते हैं काम, उसके बाद खाना खाएंगे, व्रत खोलेंगे। और ये देखो जरा एक कान में इयर रिंग है और एक में नहीं है। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मैक्सी बाय कर दो मैक्सी। चलिए बाय बाय।